लोकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और लोकेशन ये है कि ये 4S का एक अफोर्डेबल था जो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था, वो एक्चुअल में अब आने वाला है, 5-7 दिन के अंदर आ जाएगा इलेक्शन के बाद। आपको पता है ना कि ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है SPR, क्योंकि आपका DMIC के साथ यहाँ की कनेक्टिविटी होनी है, तो सोना के अंदर जो डिमांड है वो रेज होगी, क्योंकि लाइन से आना है, इसके नीचे से ऐसे आएगी ये सर्विस लाइन और आगे से आपको यू टर्न लेके आना, जहाँ सिग्नेचर का मॉल बन रहा है वहाँ से यू टर्न लेके तब इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। जो ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा लैंड पार्सल 4S का है, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख रखा है 4S। जो फ्लोर देख रहे हैं ये सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर है पार्क, उसके बाद ये सारा अरावली का व्यू आपको नज़र आता है, यानी इन्वायरमेंटल एरिया है ये सारा। उस तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अफोर्डेबल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अफोर्डेबल खरीद के बैठे हैं उसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो डाली हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है वो आ रहा है और इस टाइम बाजार के अंदर अफोर्डेबल की बहुत मेजर डिमांड है। एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि भरमार अफोर्डेबल आते थे, महीने में दो दो तीन तीन अफोर्डेबल कंटिन्यू आते थे, तो लोगों के पास च्वाइस होती थी। शायद आप लोगों के पास भी ऐसी च्वाइस होगी कि आपने एक अप्लाई किया, दूसरा आ गया, नहीं उसमें करते हैं, इसमें कैंसिल करो, ऐसा कुछ ऐसा सीन हुआ करता था। उसके बाद अब जो अफोर्डेबल आ रहे हैं वो काफ़ी महीने बाद आते हैं, लोग वेट कर रहे होते हैं, तो इसके कारण अफोर्डेबल की डिमांड है वो बढ़ जाती है, यानी जो अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट हैं वो डिमांड ज़्यादा रहती है। तो जैसे ही कोई अफोर्डेबल आता है उसमें कई गुना फ्लैट है वो अप्लाई होते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई हो जाते हैं, फ्लैट थोड़े से रहते हैं। ये चीज़ें आपने भी देखी, जैसे सिग्नेचर में भी आया था, है ना, तो काफ़ी यूनिट थोड़ी सी थी, एप्लीकेशन ज़्यादा आए। अदर प्रोजेक्ट आ रहे उनमें भी सेम ऐसी कहानी बनी हुई है, बट इसमें आज के दिन एक चीज़ ऐसी आ गई है कि जो अफोर्डेबल है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज़ नहीं होती है तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू का भी पता चल जाता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में देखेंगे तो आपको एक छोटे अमाउंट के अंदर सिर्फ यही एक लीगल प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड होती है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद तो लग्जरी आप देखोगे तो 1 करोड़ के अंदर भी आजकल प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कुछ इंटरनल बातें जो अफोर्डेबल में आप लोगों के बहुत काम की है और ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं लोगों के, तो बहुत सारे सवाल हैं, उनके रिगार्डिंग में भी मैं आप लोगों से ना डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं लोकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और लोकेशन ये है कि ये 4S का एक अफोर्डेबल था जो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था, वो एक्चुअल में अब आने वाला है, 5-7 दिन के अंदर आ जाएगा इलेक्शन के बाद। तो उसकी लोकेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ में बातें करेंगे आप लोगों से कि प्रॉपर्टी की क्या है सिचुएशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं एलिवेटेड कॉरिडोर। आपको पता है कि गुड़गांव और सोना को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया गया, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर था गुड़गांव और आपका जो सोना के बीच का जो एलिवेटेड कॉरिडोर, राइट, क्योंकि ये रनिंग हो चुका है, ये एलिवेटेड कॉरिडोर ही है जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है SPR रोड, अभी हम वाटिका चौक के ऊपर यहाँ पे खड़े हैं। तो आपको पता है ना कि ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है SPR, क्योंकि आपका DMIC के साथ यहाँ की कनेक्टिविटी होनी है, तो सोना के अंदर जो डिमांड है वो रेज होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्लोवर लीफ नेशनल हाईवे NH8 और द्वारका एक्सप्रेस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इस एलिवेटेड के अंदर बनाई जाएगी और इस चौक के ऊपर, है ना, क्लोवर लीफ बनाया जाएगा। यानी सोना एक्सटेंशन रोड पे जो रहता है वो भी जा सकता है, SPR रोड पे रहता है या न्यू गुड़गांव पे रहता है वो भी बड़े रोड के साथ जा सकता है, जीरो व्हीकल मूवमेंट, सॉरी रेड लाइट के साथ, ठीक है। तो ये है गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड। तो आपको पता है कि एक्सटेंशन रोड से फ्यूचर के अंदर आपकी जो मेट्रो है रैपिड मेट्रो का, उसका भी प्लान किया जाएगा। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है जो कि डायरेक्ट नेशनल हाईवे NH8 राजीव चौक के ऊपर जाके कनेक्ट होता है और वहीं से सीधा सोना के लिए जाता है। ये बादशाहपुर गांव है, आपको पता है कि जब आप इसके ऊपर ड्राइव करते हो तो ये ही नहीं पता होता कि यहाँ पे गांव भी है, और आप जब इसके ऊपर ड्राइव करते हैं तो 100+ गाड़ी यहाँ पर चलती है, वो आपकी ड्राइव पर डिपेंड करती है। तो बहुत अच्छा एलिवेटेड है, शहर के ऊपर ही ऊपर है, डायरेक्ट आप सोना कोई ज़्यादा आज के टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट का टाइम आपके राजीव चौक से लेके सोना तक कवर हो जाता है।
तो ये कनेक्टिविटी है जो एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में जोड़ती है। तो अब हम डायरेक्टली सोना चलते हैं दोस्तों, और सोना में जाके इस प्रोजेक्ट की हम एक्चुअल लोकेशन को थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो एक बार प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल दोस्तों देख लेते हैं। ये आपका वो है क्लोरलिप, जो आपका DMIC यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये अगर हम इधर सोना की तरफ से ऐसे गुड़गांव की तरफ से ऐसे आते हैं, ठीक है, हम ऐसे इसके ऊपर चलते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, आपको ना सर्विस लाइन से आना है इस साइड के ऊपर। जैसे टोल से आप निकलेंगे तो आपको सर्विस लाइन लेना, वहाँ से एलिवेटेड नहीं लेना, क्योंकि इन सेक्टरों के लिए एलिवेटेड को कनेक्ट नहीं किया गया है। आपको जाना है इस सर्विस लाइन से आना है, इसके नीचे से ऐसे आएगी ये सर्विस लाइन, और आगे से आपको यू टर्न लेके आना, जहाँ सिग्नेचर का मॉल बन रहा है वहाँ से यू टर्न लेके तब इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। जो ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा लैंड पार्सल फॉरेस्ट का है, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख रखा है फॉरेस्ट की साइट। उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये वाले जो फ्लोर हैं, ये सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर हैं। यहाँ सिग्नेचर ग्लोबल के SUI थे, यहाँ पे ROF ने अपने दीनदयाल के जो प्लॉट हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। फिर आगे सिग्नेचर ग्लोबल पार्क, ये लोकेशन आ जाती है, और इधर हम दिल्ली की साइड है वो चले जाते हैं। इन फ्यूचर्स में यहाँ से ना एक रोड कनेक्ट किया जाएगा, 75 मीटर का रोड ऐसे जाएगा इसके साथ साथ, जो आउटर रोड है, तो यहाँ से ऐसे कनेक्टिविटी की जाएगी। अब हम ड्रोन शूट से दोस्तों इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चैनल के अंदर ना सोना के रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर जाके देखेंगे तो हमने अफोर्डेबल के रिगार्डिंग में इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हुआ है। ये वीडियो जरूर देख ले, हमारा दूसरा चैनल है रियल एस्टेट की पाठशाला, और इसमें थर्ड एफिडेविट के लोगों के लिए कि कहाँ से एफिडेविट मिलेगी, किन को भरना है, कौन एलिजिबल है अफोर्डेबल लेने के लिए, प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। उसके बाद इसके अंदर भी हमने एफिडेविट थर्ड और फोर्थ के बारे में प्रॉपर तरीके से चीज़ें डिस्कस की गई है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी यहाँ पे आएगी वो आएगी फोर्थ कैटेगरी के लोगों के लिए कि कौन भर सकता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके पास, फोर्थ वाले के पास। फिर एक वीडियो और जल्द प्लान हो रही है कि अगर कोई अदर स्टेट से है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों हम आ गए हैं सोना के अंदर, ठीक है। सोना का ये जो DMIC है, मैंने जैसे अभी मैप के अंदर दिखाया था, DMIC जैसे आप नीचे से आते हैं तो इस सर्विस लाइन से जाना पड़ेगा, जो ये साइड वाली है इसके नीचे से। अगर आप एलिवेटेड पे चढ़ गए ना टोल के बाद, तो आपको सोना जाके वहाँ से फिर यू टर्न लेके आना पड़ेगा, यानी 2-2.5 किलोमीटर और आगे जाके फिर वापस आपका ये रास्ता 6-7 किलोमीटर के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने दिल्ली की साइड जाना है DMIC, तो आप एलिवेटेड पकड़ेंगे और यहाँ से ऊपरी ऊपर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। ये सोना है, इधर सेक्टर 34-33 है, और इस साइड की बात करूँ तो 36 और 35 है, ऐसे ये सेक्टर आते हैं, क्योंकि 34 पूरा कमर्शियल है इसके साथ साथ में, और उसके बाद रेजिडेंशियल जिसमें सेंट्रल पार्क, आसियाना, ब्रिज के प्रोजेक्ट हैं, ये इधर सारे जैसे मारुति का है, हुंडई का है, यहाँ पे सारे ये सर्विस स्टेशन है, नेक्सा है, तो गाड़ियों के शोरूम है इधर। उसके बाद ये वाले जो फ्लोर देख रहे हैं, ये सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर हैं पार्क। उसके बाद ये सारा अरावली का व्यू आपको नज़र आता है, यानी इन्वायरमेंटल एरिया है ये सारा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये वाले फ्लोर फिर सिग्नेचर ग्लोबल के आ जाते हैं, फिर ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, फिर ये सिल्वर ग्लेड का मिलिया प्रोजेक्ट है, इधर फिर गोदरेज का प्रोजेक्ट आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सोना का बड़ा मजबूत है। उसके बाद अगर इस एलिवेटेड की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि इसको सेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए सर्विस लाइन का यूज है वो दिया गया है, ताकि जिसको डायरेक्ट स्टेट जाना है, यानी जो सेक्टर 7, 4, 5 के लोगों के लिए ये एलिवेटेड कंप्लीट काम करता है। आप लोगों को तो फिर वही सर्विस वाली जो लाइन है वो यूज करनी पड़ेगी, और टोल तो पे करना ही पड़ना आपको पड़ेगा, है ना। लेकिन ये जो रोड है ये आगे वाले सेक्टरों के लिए, क्योंकि वहाँ से 60 मीटर रोड प्लस आपका 75 मीटर रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा, यानी सेक्टर 4, 5 और जो 7 हैं, है ना, उन लोगों के लिए ये प्रॉपर ये एलिवेटेड काम करता है। तो इनकी जो तो वसूली पक्की हो जाती है भाई, जो पैसा टोल का देते हैं तो तुरंत वो अपने सेक्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके लिए ये वाली सर्विस लाइन है आपके लिए यूज होगी, और आगे से इस फ्लाईओवर के अंदर से आपको यू टर्न लेके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये लोकेशन आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आती है। तो लेफ्ट साइड में अगर बात करोगे, ये सेक्टर 34 जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी, उसके बाद ये जो प्लॉटिंग आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल, ये दीनदयाल के प्लॉट हैं ROF के, और उसके आगे ये फिर
आरओएफ के भी आगे दीनदयाल के प्लॉट है, फिर ये सिग्नेचर ग्लोबल के आपके फ्लोर आ जाते हैं। इसके सामने सेक्टर 33 जो रेजिडेंशियल एरिया आप देख रहे हैं, सेंटर पार्क, फ्लावर वैली। अब इसमें 4S की जो लैंड पार्सल है वो ये वाला जो बोर्ड है आप जो देख रहे हैं, ये वाला ही लैंड पार्सल पूरी 4S की है। और ये जो हाई एक्सटेंशन वायर है ये प्रोजेक्ट के अंदर से है, ठीक है। इधर टावर है तो फिर डायरेक्ट हाई एक्सटेंशन वायर प्रोजेक्ट के ऊपर से है। ये वाला एरिया भी खाली है क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ये DMIC है, ठीक है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे एक्सप्रेस वे जाता है, फिर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से ये रोड को मार्क करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये रोड है, तो यहाँ से ये ऐसे 75 मीटर का रोड ऐसे ऊपरी ऊपर सोना के साथ ऐसे निकाला जाएगा, जो डायरेक्ट KMP एक्सप्रेस वे और साथ में आपका IMT मानेसर सोना, और फिर एक गुड़गांव की तरफ से जो रोड आना है वो ऐसे आएगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे है, मैंने एक नॉर्मल आपको मार्किंग करके दी है। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी बनेगी, यानी DMIC को आप यूज नहीं कर सकते उसके लिए, तो फिर आपको, क्योंकि इसका जो वैसे कनेक्टिविटी होगी डायरेक्ट जैसे पलवल को रोड जाता है वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी दी है, उसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट सेक्टर के आउटर जाने के लिए ये 75 मीटर का रोड होगा। यानी ये जो रोड है ना, ये वाला जो ऊपर जाता है, ये वह इस रोड के साथ जितने भी सेक्टर लगते हैं उनको मेजर प्रॉफिट होगा और इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलने वाली है, ये ध्यान रखना आप लोग, जो भी इस रोड के साथ जो सेक्टर लगेंगे, क्योंकि ये मल्टी कनेक्टिविटी का रोड बनने वाला है, ठीक है। पॉइंट पे चलते हैं वापस, यहाँ से ये चीज़ें होंगी। तो हम एक एक सेक्टर की, वैसे दोस्तों सोना की डेवलपमेंट का भी हम सीरीज जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सोना के एक एक सेक्टर के बारे में भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट से बताने वाले हैं। एक यहाँ से ये रेवेन्यू रास्ता है जो जाता है, जैसे हमने मैंने मैप में भी दिखाया था, उसके साइड में जो रास्ता था वो ये वाला था, और साइट के ऊपर आप देखोगे तो ये 4S की लैंड पार्सल है, तो इसके फ्रंट में आपका ये पोल की लैंड है, तो ये खाली है, तो यानी हाई एक्सटेंशन वायर बगल में है, प्रोजेक्ट के ऊपर से भी है, और आपका जो पोल है वो साइट के ऊपर है, क्योंकि यहीं से इनकी एंट्री है प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये गैलरी बनी हुई है, ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये वाली लैंड पार्सल यहाँ से एंट्री है, तो इसके बीच में आप देख रहे हो ये पोल खड़ा है इस आपका हाई एक्सटेंशन वायर का, तो यहाँ से ये इसकी मेन एंट्री है। जैसे आपने ग्रीन उसमें देखा, पीछे वीडियो करके दोबारा देखोगे तो बल्कि पतला सा रास्ता है, ठीक है, तो उसके साथ से है, और इसके बाद आसपास की जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये पूरा डेवलप एरिया है, इसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे कोई आएगा यार कोई नहीं रह रहा है तब देखेंगे, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे अपना कमर्शियल मॉल बना रहा है, लग्जरी मॉल है, उसके बाद ये सारे फ्लोर हो गए, ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल हो गया, 2 BHK का अफोर्डेबल का आज के दिन का यहाँ रेंट तकरीबन 12,000 से लेके आपको 15,000 रुपये तक का रेंट मिलता है। ये फिर आपके दीनदयाल के अंदर बनाए गए फ्लोर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको प्रोजेक्ट का कि जो लाइन हमें मार्किंग, ये वाली पूरी मार्किंग है ऐसे इस प्रोजेक्ट की, ऐसे जाते हैं फिर ऐसे 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 ऐसे, ये मार्किंग है आपको मैं मार्किंग कर देता हूं, ठीक है, मार्किंग कर देता हूं आपकी, ये ऐसे है, यहां से ऐसे है। जब आप वो पीछे मैंने जो लैंड पार्सल दिखाया था उसको आप दोबारा देख लेना, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे है, ये वाली लैंड पार्सल है, ठीक है, उसके ऊपर से देख रहे हो ये वाला जो है ये पोल है हाई एक्सटेंशन वायर का, ये हाई एक्सटेंशन वायर ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे पोल है, तो ये साइड के अंदर आते हैं, इसके ऊपर से जाते हैं, तो ये हाई एक्सटेंशन वायर के नीचे आएगा आपका जो ग्रीन एरिया है उसका डेवलप किया जाएगा। तो इसमें 2 लैंड पार्सल बनते हैं, एक तो इधर वाला लैंड पार्सल है अलग से, और फिर अलग से ये देख रहे हैं यहाँ पे वैसे काम जल्द शुरू कर रहे हैं, लैंड को क्लीन कर दिया है क्योंकि रेरा इनका आ चुका है। इसके साइड में ये वाले जो फ्लोर देख रहे हैं यहाँ RUF बिल्ड फ्लोर बना रहा है, ये वाले फ्लोर सिग्नेचर ग्लोबल के, वैसे इसके आसपास के जो डेवलपमेंट है सारी लो राइज डेवलपमेंट है, तो आपका जो व्यू है वो ख़राब नहीं होगा, इसका ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। और चलते हुए बड़े रोड से हैं, आप सर्विस लाइन को यूज करेंगे, और अगर आप एलिवेटेड को यूज करेंगे तो आपको फिर सोना से जाके वापस आना है। तो इसके अंदर दोस्तों ये लोकेशन थी, सारी चीज़ें हैं। अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अफोर्डेबल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अफोर्डेबल खरीद के बैठे हैं उसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो डाली हुई है,
क्योंकि आपकी थर्ड प्रेफरेंस फोर्थ प्रेफरेंस की हम यहाँ पे एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग हम सीरीज़ रखेंगे, जिसके अंदर कई वीडियो आ चुकी हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं, जिसमें थर्ड प्रेफरेंस है, फोर्थ की आ रही है, अदर स्टेट वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये चीज़ बनानी ज़रूरी है क्योंकि मिस्टेक कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये है दोस्तों, मैं अफोर्डेबल में डील नहीं करता हूँ, आप अफोर्डेबल फ्लैट के लिए मुझे कॉल मत कीजिए। हाँ, अगर आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, गूगल फॉर्म आपको मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्या खरीदना चाहिए, तो गूगल फॉर्म फिल करके आप कंसल्टेंसी का चार्ज है वो ले सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी रिक्वायरमेंट आपकी फंडिंग के अकॉर्डिंग आपको राइट सजेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जैसे ही कुछ आता है, जैसे लेआउट वगैरह कुछ ऑफिशियल होता है, TCP पे जैसे लाइव होगा, तो हम आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको हेल्प देंगे कि आपको एफिडेविट कहाँ से डाउनलोड करनी है। और कोशिश करें दोस्तों, एफिडेविट खुद ही बनवाए आप। मेरे हिसाब से कभी किसी से एफिडेविट बनवा लेते हैं तो एफिडेविट के लिए मेरे पास भी कॉल मत करना, एफिडेविट खुद बनाना, क्योंकि वो बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कल को आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसके जिम्मेवार आप ही होंगे। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लीगल होती हैं, इनका ध्यान रखो, क्योंकि आप खुद गलती को अपने पास बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो या कोई ऐसी गलती आप लोगों के साथ होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें, पूरा प्रोसेस आपको चाहिए। प्रॉफिट आपको एप्लीकेशन नहीं भरना आता, वो भी चैनल के अंदर वीडियो है, कौन भर सकता है वो भी चैनल के अंदर वीडियो है, पूरी डिटेल सारी चीज़ें तो आपके चैनल के अंदर मिल जाएंगी। तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है दोस्तों जो आपको परेशान करे और आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। 10 मिनट के अंदर आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, उसकी वीडियो प्रॉपर तरीके से डली हुई है। तो दोस्तों, आगे से अगर कोई अफोर्डेबल के रिगार्डिंग कोई ऐसी लगेगा कोई डाउट है या आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस की हैं, आगे भी करूँगा जैसे कुछ आता है। तो वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, अगर आप इस चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।